नमस्ते, आज हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य था कि वायु रूपी ध्वनि को नाभि से मुख तक लाने हेतु किया गया प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। तो बाह्य प्रयत्न का तात्पर्य होगा कि उस वायु रूपी ध्वनि को मुख से बाहर निकालते समय किया गया प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। एक चीज इसमें ध्यान देने योग्य है कि आभ्यंतर प्रयत्न का अनुभव केवल वक्ता ही करेगा, लेकिन बाह्य प्रयत्न का अनुभव वक्ता और श्रोता दोनों करता है। जैसे इस समय मैं वक्ता हूँ और उस वायु रूपी ध्वनि को जो मैं बोल रहा हूँ इसको नाभि से मुख तक लाने में जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रयास को केवल मैं ही महसूस कर रहा हूँ। जो आप श्रोता लोग हैं आप उन प्रयासों को महसूस नहीं कर रहे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरा जो मुँह हिल रहा है ये प्रयास आप भी महसूस कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और मैं भी महसूस कर रहा हूँ। तो बाह्य प्रयत्नों का अनुभव वक्ता और श्रोता दोनों पर। जहाँ तक आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या की बात थी तो उनकी संख्या 5 थी, लेकिन बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। अब यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में एक अंतर ये भी है कि आभ्यंतर प्रयत्न में प्रत्येक वर्ण का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता था। जिस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट था तो उसका फिर स्पष्ट ही था, ईषत स्पष्ट या विवृत ऐसा कोई दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न नहीं। लेकिन बाह्य प्रयत्नों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। बाह्य प्रयत्न में एक ही वर्ण के 3-3 या 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। 3-3 होंगे या 4-4 होंगे ये निर्भर करेगा उस वर्ण की प्रकृति पर कि वह स्वर है या व्यंजन है। अगर वह वर्ण स्वर है तो प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होंगे, और वह वर्ण अगर व्यंजन है तो उसके 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। निष्कर्ष यह निकला कि प्रत्येक स्वर के 3 और प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब स्वर के 3 होते हैं तो कौन कौन से होंगे, और व्यंजन के 4 होंगे तो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले स्वर को लेते हैं। स्वर के संदर्भ में कहा है कि स्वराणाम उदात्त अनुदात्त स्वरिता। इसका तात्पर्य होगा कि प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होंगे उदात्त अनुदात्त स्वरित। 11 बाह्य प्रयत्नों में जो अंतिम 3 बाह्य प्रयत्न हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये तीनों बाह्य प्रयत्न केवल स्वरों से संबंधित है। अब बात करते हैं व्यंजन की। स्वरों में तो स्पष्ट हो गया, स्वर चाहे कोई सा भी हर्ष हो, दीर्घ हो या प्लुत हो, प्रत्येक के 3 बाह्य प्रयत्न उदात्त अनुदात्त स्वरित ही होंगे। अब व्यंजनों की बात करें तो अभी मैंने कहा कि प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, तो वो 4 कौन कौन से होंगे। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने हेतु हमें इन 3 सोपानों का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि खर प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और हष प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्यार में ख प छ ट थ च ट थ क प स स स ये वर्ण आएंगे, और इनको अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें तो प्रत्येक वर्ण का प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर और श ष स 3। उसी प्रकार हष प्रत्यार में प्रत्येक वर्ण का 3रा 4था 5वां और ह ये वरल ये व्यंजन आए। जैसे ही हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक विशेष वर्ण देकर के कि इस वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न बताइए, तो सबसे पहले हमें निर्धारित करना है कि वह व्यंजन खर प्रत्यार में आता है या हष प्रत्यार में आता है। जैसे ये निर्धारित हो गया कि ये विशेष वर्ण अमुक वर्ण खर प्रत्यार में आता है या हष में आता है, इसके बाद हमें दूसरे सोपान पर जाना है। दूसरे सोपान में लिखा है कि खरो विवारा श्वासा आघोषा हसो समारा नादा घोष। इसका अर्थ ये होगा कि अगर वह व्यंजन खर प्रत्यार में आता है तो उसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे विवार, श्वास, अघोष, और यदि वह व्यंजन हष प्रत्यार में आता है तो उसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे समार, नाद, घोष। प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं, और उनमें से या तो ये 3 बाह्य प्रयत्न होंगे और या फिर ये 3 बाह्य प्रयत्न होंगे। अब हम बात करें चौथे बाह्य प्रयत्न की। चौथा बाह्य प्रयत्न पता करने के लिए हमें तीसरे सोपान को बढ़ना पड़ेगा। तीसरे सोपान में लिखा है कि वर्गानाम प्रत्येक प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अर्थ प्राणा व
और वर्गाराम द्वितीय चतुर्थो षड़श्च महाप्रथम। अर्थ ये होगा कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और इसके अलावा यण प्रत्यय में आने वाले चारों अंतस्थ वर्णों का चौथा बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण है और प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और छल प्रत्यय में आने वाले चारों उष्म वर्ण का चौथा बाह्य प्रयत्न महाप्राण है। तीन तीन बाह्य प्रयत्न तो हम यहाँ निर्धारित कर चुके, या तो ये तीन या फिर ये तीन, और चौथा बाह्य प्रयत्न या तो अल्पप्राण या महाप्राण। अब परीक्षा की दृष्टि से लें तो कैसे इसका क्वेश्चन बनता है और कैसे अपने को इसका आंसर निकालना है। जैसे एक वर्ण लिया अ या लिया हमने क ज फ ह, इन पांच वर्णों के बाह्य प्रयत्न हमें निर्धारित करने हैं। इसके लिए जो आज हमने जानकारियां प्राप्त की है इन्हीं का सहारा लेते हैं और इनके बाह्य प्रयत्न हम निर्धारित करते हैं। सबसे पहले अ की बात करें, अ के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये स्वर है या व्यंजन। अगर स्वर है तो यहाँ से आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इस प्रथम पंक्ति से काम चल जाएगा कि स्वराणाम उदात्त अनुदात्त स्वरिता। हमने देखा कि अस्वर है, अतः इसके बाह्य प्रयत्न तीन निर्धारित हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित। इसके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक स्वर के तीनों बाह्य प्रयत्न होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित। दूसरे क्रम पर आते हैं हम क, हम ये देख रहे हैं कि क एक व्यंजन है ज फ ह। अब अ के अलावा जो भी चार उदाहरण हमने लिए हैं ये व्यंजन है और व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए हमें 300 वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। क के बनवा करें तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि क खर के अंतर्गत आता है या हस के अंतर्गत आता है। हम देख रहे हैं क वर्ग का प्रथमाक्षर, क वर्ग में जो पांच व्यंजन आते हैं क ख ग घ ङ उनमें से क प्रथमाक्षर है और प्रथमाक्षर होने के नाते इस क का संबंध खर प्रत्यय है। जब ये तय हो गया कि यह क खर प्रत्यय के अंतर्गत आता है तो हमें अब दूसरे सोपान में आना पड़ेगा और इसके लिए लिखा है खरो विवारा श्वासा आघोषा हसो संवारा नादाघोष। अगर ये वर्ण हस प्रत्यय में आता तो इसके तीन बाह्य प्रयत्न होते संवारनाद घोष, लेकिन चूंकि क खर प्रत्यय में आता है इसके लिए इसलिए इसके तीन बाह्य प्रयत्न होंगे विवाह श्वास अघोष। तो यहाँ पर खर प्रत्यय से संबंधित होने के नाते इसके तीनों बाह्य प्रयत्न हमें लिख दिए विवाह श्वास अघोष। ये तो बात हुई केवल इन तीन बाह्य प्रयत्नों की, लेकिन हम जानते हैं कि व्यंजन होने के नाते क के चार बाह्य प्रयत्न होते हैं और इसका चौथा बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए हमें तीसरे सोपान में आना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि क अपने वर्ग में किस क्रम पर आता है, तो क प्रथमाक्षर है और प्रथमाक्षर होने के नाते इसका छोटा बाह्य प्रयत्न होगा अल्पप्राण, क्योंकि वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचमाक्षर अल्पप्राण होते हैं। तो ये छोटा बाह्य प्रयत्न भी यहाँ पर निर्धारित हो गया अल्पप्राण। उदाहरण स्वरूप हमने तीसरा उदाहरण लिया है ज, ज एक व्यंजन है और च वर्ग के अंतर्गत आता है और ये च वर्ग का तृतीयाक्षर है च च ज, और तृतीयाक्षर होने के नाते इस ज का उल्लेख अपने को हस प्रत्यय में मिलेगा। तो सबसे पहले हमने तय कर लिया कि ज का संबंध हस प्रत्यय से है। अब जब ये तय हो गया तो हमें दूसरे सोपान पर आना पड़ेगा, हस प्रत्यय में है तो फिर हस वाले अपने को परिभाषा याद करनी पड़ेगी हसोसा वाला नाजा होशा, इसका मतलब जैसे तीनों भाई प्रयत्न होंगे समार नार घोष। इसका छोटा बाह्य प्रयत्न निर्धारित करने के लिए हमें तृतीय सोपान में आना पड़ेगा, ज तृतीयाक्षर है और तृतीयाक्षर होने के नाते इसका छोटा बाह्य प्रयत्न भी क के समान अल्पप्राण ही होगा। प्रथम तृतीय और पंचम तीनों का छोटा बाह्य प्रयत्न अल्पप्राण होता है। अब हम बात करते हैं फ की, फ वर्ग के अंतर्गत आता है और ये द्वितीयाक्षर है और द्वितीयाक्षर होने के नाते इसका उल्लेख अपने को खर प्रत्यय मिलेगा और खर प्रत्यय में है तो हमें खर वाली परिभाषा बोलनी पड़ेगी
खरो विवार श्वास वो सा। अतः इसके तीन वायु प्रयत्न होंगे, विवार श्वास और कवचे। का छोटा वाय प्रतिनिधान करने के लिए हमें तृतीय सोपान में आना पड़ेगा, और ये जो फ है ये वर्ग का द्वितीय अक्षर है, प फ, और द्वितीय अक्षर होने के नाते इसका छोटा पाय प्रयत्न महाप्राण होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वर्ग के द्वितीय अक्षर और चतुर्थाक्षर महाप्राण, तो इस कारण इसका छोटा वाय प्रयत्न महाप्राण होगा। अंतिम उदाहरण आता है अपना ह, हर्ष प्रत्यय में आता है, हर्ष प्रत्यय का प्रारंभ भी ह से होता है, और हर्ष प्रत्यय से संबंध होने के कारण इसके तीन वाय प्रयत्न होंगे, समान नाद घोष। छोटा वाय प्रत्यय करने के लिए हमें तृतीय सोपान में आना पड़ेगा, ह शल प्रत्यय का वर्ण है, श श ह उष्ण जो वर्ण है शल प्रत्यय में आते हैं, और उष्ण होने के नाते शल होने के नाते इसका वाय प्रयत्न होगा महाप्राण। ये पांच उदाहरण हमने लिए। इस प्रकार हम किसी भी वर्ण का के जो चारों वाय प्रयत्न हैं या तीनों वाय प्रयत्न हैं वह निर्धारित करने के लिए हम इन सोपानों का प्रयोग करके आसानी से प्रत्येक वर्ण के वाय प्रयत्न ज्ञात कर सकते हैं। ये आभ्यंतर प्रयत्न और वाय प्रयत्न का टॉपिक हमने विस्तार से पढ़ा है, आशा करते हैं आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद शेष टॉपिक अगली क्लास में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।